कंसर्न डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, जिसमें हमने देखा था कि यदि फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफाइंड है तो वो कहा जाता है इनसाइड डेफिनेशन, इसी तरीके से फंक्शन अगर आउटसाइड द क्लास डिफाइंड है तो वो कहा जाता है आउटसाइड डेफिनेशन। तो प्रैक्टिकल कल हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऑनलाइन टर्बो एडिटर पर। तो ये देखिए, एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें कि माय क्लास नाम से एक क्लास है, और यहाँ पर पब्लिक स्पेसिफायर के अंतर्गत माय मेथड एक फंक्शन है। माय मेथड फंक्शन, ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत किया हुआ है, और फिर यहाँ पर क्लास क्लोज हो जा रही है, इस पॉइंट पर क्लास क्लोज हो जा रही है, और फिर आउटसाइड द क्लास हमने माय मेथड फंक्शन यहाँ पर देखिए डिफाइन कर दिया। ये देखिए माय मेथड फंक्शन आउटसाइड द क्लास लिख दिया, और ये फंक्शन माय क्लास का फंक्शन है, ये चीज बताने के लिए हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया। ये देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास यहाँ पर देखिए माय क्लास, और इसके पहले जो void लिखा हुआ है void, इसका मतलब ये हो जाता है कि माय मेथड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर क्लास के पहले यहाँ पर void लिखा है तो इसका मतलब माय मेथड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये देखिए किसी का क्लोजिंग, ये डिफिनेशन हो जाएगा माय मेथड फंक्शन के लिए, और फिर आप मेन फंक्शन से ये कॉलिंग कर रहे हैं। तो कॉलिंग करने के लिए आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो ये देखिए मैंने obj1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किस क्लास के लिए, माय क्लास के लिए, किस क्लास के लिए, माय क्लास के लिए। रिप्लाई करते रहो भाई ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रहे हैं, रिप्लाई करते रहिए। तो ऑब्जेक्ट वन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास के लिए है, माई क्लास, माई क्लास के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने obj1.my मेथड यहाँ से कॉल कर लिया। तो अब देखिए मैं दोबारा रन कराता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ से और बताता हूँ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो यहाँ से मैं रन करा देता हूँ, तो ये देखिए इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एम इन वाई मेथड, ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा माई मेथड फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें आपने देख लिया कि इनसाइड डेफिनेशन क्या होती है और आउटसाइड डेफिनेशन क्या होती है। अब हम लोग इसमें कुछ और भी चीज देखने की कोशिश करते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या होती है, ठीक है, डेटा हाइडिंग क्या है। जैसे कि आप यहां पर C++ में देखते हैं कि जैसे कि यहां पर मैंने एक क्लास बनाया, क्लास माई क्लास, और फिर यहाँ पर मैं रेंज बनाता हूँ क्लास के लिए, और फिर यहाँ पर मैं प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से कोई प्रोग्राम आप ऐसा देखेंगे जिसमें मैं प्रोटेक्टेड भी यूज करूंगा, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो इनका यूज एक्चुअली क्यों होता है या इनका अलग अलग मतलब क्या होता है। अगर आप प्राइवेट स्पेसिफायर के अंतर्गत जो मेंबर वेरिएबल्स या फंक्शंस लिखते हैं तो वो कैसे एक्सेसिबल होंगे, अगर आप पब्लिक के अंतर्गत लिखते हैं तो वो कैसे एक्सेसिबल होंगे, प्रोटेक्टेड के अंतर्गत लिखते हैं तो वो कैसे एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो इसके जरिए, इनके जरिए हम
जो मेंबर वेरिएबल्स या फंक्शंस होते हैं उनको बेसिकली हम नॉर्मल एक्सेसिंग से हाइड करते हैं। नॉर्मल एक्सेसिंग से हाइड करने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन जो वेरिएबल्स प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किए होंगे उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि आप पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं कि जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं पब्लिक सेक्शन में, तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, ठीक है। लेकिन जो चीजें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड के अंतर्गत होती हैं उसको आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। उनको एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड डिफाइंड है, कुछ रूल्स डिफाइंड है, और इस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम डेटा हाइड कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सेसिंग से उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे आपने पब्लिक के बारे में अभी जाना है, अभी आप बहुत ज्यादा प्राइवेट के बारे में नहीं जानते ना तो प्रोटेक्टेड के बारे में जानते हैं, तो आज हम लोग पहले डेटा हाइडिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। तो यस सर, हाँ, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा डेटा हाइडिंग में, हेडिंग लिखिए डेटा हाइडिंग, हेडिंग लिखो डेटा हाइडिंग, ठीक है। इसमें लिखिएगा डेटा हाइडिंग restrict the access of data, outside the class, restrict the access of data outside the class। लगभग 12-13 लोग क्लास में हैं, सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ डेटा आउटसाइड द क्लास, and to perform data hiding in C++, there are various types of access specifier. There are various types of access specifiers in C++. Data hiding perform करने के लिए C++ में कई तरीके के access specifiers हैं, जैसे कि public, इसी तरीके से private और इसी तरीके से protected, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके बारे में समझते हैं कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसमें हेडिंग में लिखिएगा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है, लिखिएगा ऑल द मेंबर्स का मतलब हो गया कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितने भी फंक्शंस होंगे उनको हम मेंबर बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेंबर्स। इसमें लिखिएगा
all the members, विकेट में लिख लीजिए डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड्स, मेथड्स मींस फंक्शंस जो कि डिफाइन आप करते हैं, ठीक है. तो ऑल द मेंबर्स मींस डेटा मेंबर एंड मेथड्स विच आर मेड, विच आर मेड प्राइवेट, विच आर मेड प्राइवेट, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली विथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, ठीक है. इसका क्या मतलब हो गया कि लिख लिए नहीं लिख लिए? हाँ सर, हो गया. इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. अगर आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया हुआ है और उसके अंतर्गत जो भी आप डेटा मेंबर या फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो सभी डेटा मेंबर एंड फंक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट से आउटसाइड द क्लास, मतलब क्लास के बाहर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं किए जा सकते. बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए होते हैं वो क्लास के बाहर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं किए जा सकते. चलिए इसको हम समझते हैं इसका मतलब क्या है. जैसे जैसे यहां पर देखिए, इस प्रोग्राम में आप देखें तो इस प्रोग्राम में पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक वॉइड मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है. और आउटसाइड द क्लास हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है माई मेथड, मतलब माई मेथड फंक्शन ये आउटसाइड द क्लास डिफाइंड है. मैं इसको अभी फिलहाल इनसाइड द क्लास कर देता हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. तो मैं इसको इनसाइड द क्लास डिफाइन कर देता हूँ. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट, सी आउट I am in my method, ठीक है, function. I am in my method function. Okay. तो अब देखिए, अब मैंने अगर मान लीजिए कि my method function ये मुझे access करना है, तो मैं यहाँ पर my class से related एक object मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, object one. और ऑब्जेक्ट वन के जरिए मैं माय मेथड फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ. कैसे, ये देखिए रन करा रहा हूँ तो यहाँ पर माय मेथड फंक्शन एक्सेस हो जाएगा. और देखिए यहाँ पर कुछ बता रहा है कि कुछ समस्या है कि एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर टोकन. इसका मतलब कि कहीं पर कुछ ब्रैकेट उधर है, इसकी वजह से समस्या आ रही है. तो अच्छा यहाँ पर हाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पर नहीं लगेगा. चलिए रन कराता हूँ दोबारा. तो ये देखिए आई एम इन माय मेथड फंक्शन, मतलब कि माय मेथड फंक्शन यहाँ से एक्सेस हो जा रहा है ऑब्जेक्ट के जरिए.
ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ओके, अच्छा क्या हम अगर यही माई मेथड फंक्शन प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर करें, जैसे कि मैं यहां पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखता हूं, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यहां पर लिखा, और यही माई मेथड फंक्शन अब मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और ये मैं डिक्लेयर कर देता हूं प्राइवेट सेक्शन के अंदर. ये देखिए मैंने यही माय मेथड फंक्शन पब्लिक सेक्शन से हटा दिया और इसको मैंने कर दिया प्राइवेट सेक्शन के अंदर. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर. जो माय मेथड फंक्शन था ये मैंने पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत से हटा दिया और इसको मैंने कहां पर रख दिया? प्राइवेट सेक्शन के अंदर, प्राइवेट स्पेसिफायर के अंतर्गत. तो इस तरीके से अब ये जो माय मेथड फंक्शन है ये प्राइवेट स्पेसिफायर के अंतर्गत का फंक्शन हो गया, और इसका मतलब ये होता है कि अब मैं डायरेक्टली माय मेथड फंक्शन ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं यहाँ पर देखिए, चूंकि ओबीजे वन जो ऑब्जेक्ट है ये माय क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं ओबीजे वन के जरिए मैं माय मेथड फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा. ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि ऑल द मेंबर्स, मींस इसमें डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं एंड मेथड्स या फंक्शन भी हो सकते हैं, विच आर मेड प्राइवेट, जो कि प्राइवेट के अंतर्गत लिखे गए होते हैं या प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किए गए, डिफाइन किए गए होते हैं. They cannot be accessed directly with the object outside the class. वो क्लास के बाहर क्लास के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते. तो चलिए मैं रन कराता हूं और देखता हूं कि क्या ऐसा है या नहीं. मैं रन कराता हूं यहाँ पर, तो ये देखिए मुझे एक एरर मिल रही है. आप इस एरर को ध्यान से देखें. यहाँ पर लिखा जा रहा है, लिखे आ रहा है कि void my class method is private within this context. इसका मतलब क्या हो गया कि जो my method function आप यहाँ पर access करने की कोशिश कर रहे हैं वो my method function private section में declare किया गया है, इसलिए आप यहाँ पर directly वो चीज access नहीं कर सकते. अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूं कि पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, जैसे कि void display, ठीक है, void display, और void display मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं cout and I am in display function. I am in display function. ठीक है, I am in display function. अच्छा, अब अगर मैं display function access करूं तो क्या display function access हो जाएगा? अगर मैं यहां पर देखिए my method function, ये तो access नहीं हुआ. वो access क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यहां पर private section के अंतर्गत लिखा हुआ है. अब यही चीज मैं यहां पर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन लिखा हुआ है और डिस्प्ले फंक्शन मैं ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर पा रहा हूँ. तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा obj1. बताइए क्या लिखें? डिस्प्ले. तो obj1.display, और यहां से माई मेथड तो एक्सेस नहीं होगा लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन एक्सेस हो जाएगा. तो चलिए मैं रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या ऐसा है या नहीं. तो आउटपुट में देखें, यहाँ पर सबसे पहले माई मेथड ही दिखा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लेयर्ड नॉट प्राइवेट हियर. अच्छा,
माई मेथड यहाँ पर देखिए प्राइवेट दिखा रहा है और आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा है और एरर आ रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कमेंट बना दे रहा हूँ, ये देखिए कमेंट हो गया और obj1.display से मैं ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देगा। चलिए मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर रन कराता हूँ। तो ये देखिए डिस्प्ले फंक्शन इजिली कॉल हो जा रहा है, राइट। ये देखिए IAML डिस्प्ले फंक्शन, लेकिन यहाँ पर माई मेथड फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट जो एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत जो भी फंक्शंस आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वो डायरेक्टली क्लास के बाहर से किसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी, ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये ऐसा क्या है, क्यों है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसमें कुछ और बताते हैं। अभी हमने मेंबर फंक्शन के बारे में बात किया और अब हम लोग यहाँ पर मेंबर वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। मेंबर वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं या नहीं? लिख लिए? हो गया? रिप्लाई करो। लिख लिए नहीं लिख लिए? यस सर। हाँ सर, हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं और कुछ चीजें मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर दो एक्सेस स्पेसिफायर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, प्राइवेट एंड पब्लिक। और यहाँ से मैं ये फंक्शंस हटा देता हूँ, ठीक है। और प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ, दैट इज वाई। और पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ, दैट इज int x, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, int y, ये जो डेटा मेंबर है या वेरिएबल है, ये हमने प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत लिखा हुआ है। और x जो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है, ये हमने पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर x में कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। x में कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, तो आप बताइए कि x में वैल्यू कैसे असाइन होगी। तो x में वैल्यू असाइन करने के लिए यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, माय क्लास का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगा obj1। देखो यहां पर अगर मैं x वेरिएबल में डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू 50, ये गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x वेरिएबल ये my क्लास का वेरिएबल है और डायरेक्टली मैं एक्सेस ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है तो फिर यहाँ पर obj1 ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, और obj1 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, आप लिखेंगे obj1.x, ठीक है। obj1.x इज इक्वल टू 50, और इस तरीके से आप x में 50 असाइन कर देंगे। आप यहाँ पर सी आउट भी करा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट और x, ठीक है, सी आउट x, तो मुझे x में जो वैल्यू असाइन मैंने 50 किया ये मुझे दिख जाएगी। चलिए मैं रन कराता हूँ और दिखाता हूँ क्या ऐसा हो रहा है या नहीं।
तो x में वैल्यू x वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप है ना. तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रही है इन x. अच्छा ओके तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती ये किया हुआ है कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर x कर दिया. मुझे यहाँ पर सी आउट कराना पड़ेगा obj1.x ठीक है, क्योंकि ये पूरा मुझे लिखना पड़ेगा. मैं डायरेक्टली x एक्सेस नहीं कर सकता. जब भी हमें x एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करना होगा. तो चलिए मैं रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या 50 मुझे मिल पा रहा है या नहीं. तो ये देखिए मुझे 50 यहाँ पर मिल पा रहा है. ये देखिए आपको शायद स्क्रीन दिखाई ना दे रही हो, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 50 अब दिखाई दे रहा है. Yes, तो 50 यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया x में 50 तो और वो वैल्यू मैंने obj1.x से यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया. तो ये देखिए 50 यहाँ पर मुझे दिख गया. अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं y वेरिएबल जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया है इसमें भी मैं इसी क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यू डायरेक्टली असाइन करा सकता हूँ. इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि देखिए अगर मैं वाई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कराना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर एक्स वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराया उसी तरीके से अगर आप वाई वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं तो क्या ऐसे आप डायरेक्ट करा लेंगे ऑब्जेक्ट वन के जरिए. मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट वाई इक्वल टू 50 ठीक है, और फिर मैं यहां पर सी आउट करा दू सी आउट ऑब्जेक्ट वन डॉट वाई ठीक है सी आउट ऑब्जेक्ट वन डॉट वाई. तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि y वेरिएबल जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया है उसमें मैं my class ऑब्जेक्ट के जरिए 50 वैल्यू असाइन करा रहा हूं. तो जबकि आपको यहां पर पता है कि प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किए जा सकते. तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये 50 हमें ये दिख जाएगा या नहीं दिखेगा. तो मैं रन कराता हूँ यहाँ से और देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है. तो ये देखिए आउटपुट क्या आ रहा है. आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि y is private within this context. मतलब यहाँ पर मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है तो y जो वेरिएबल है ये प्राइवेट वेरिएबल है, मतलब प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है, इसलिए आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते. अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्शन के अंतर्गत जो वेरिएबल्स या फंक्शंस होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. तो ये चीज समझाने के लिए मैंने ये पूरा इतना दो प्रोग्राम आपको बताया और इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है. इसी तरीके से फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्पेसिफायर है दैट इज पब्लिक ठीक है. तो पब्लिक स्पेसिफायर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लो. इसमें लिखिएगा कि मेंबर्स विच आर डिफाइंड within the members which are defined within the public specifier members which are defined within the public specifier are accessible from outside the class.
तो पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत जो डेटा मेंबर्स होते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मतलब वो आउटसाइड द क्लास से एक्सेसिबल होते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। जैसे कि आपने यहाँ पर इसमें देखा हुआ था, जब हम लोग x वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे थे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर रहे थे। तो इसके लिए तो मुझे एग्जांपल बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पब्लिक सेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आगे लिखिएगा, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर या प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर में लिखिएगा कि मेंबर्स आर, या इसमें ऐसा लिखो, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कैन नॉट बी एक्सेस्ड, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम outside the class, outside the class, members cannot be accessed from outside the class. However, they can be accessed in inherited classes, ठीक है। ओके, तो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर अगर लगा हुआ है तो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के फीचर्स क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत जो मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, वो मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वो मेंबर भी आउटसाइड क्लास के आउटसाइड से एक्सेस नहीं किए जा सकते, ठीक है, बल्कि दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास, ठीक है, उनको हम इनहेरिटेड क्लास के से एक्सेस कर सकते हैं। और इनहेरिटेड क्लास क्या होती है ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस ये एक नया एक टॉपिक है C++ में, और आगे के चैप्टर्स में मैं डिस्कस करूंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के जरिए जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो कैसे एक्सेस किए जाते हैं। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो ये तीन चीजें आपने तीन स्पेसिफायर डेटा हाइडिंग के अंतर्गत तीन स्पेसिफायर के बारे में डिटेल से जाना, ठीक है। ऑडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, ऑडियो ऑन कर लो। यस सर। हाँ सर, ऑडियो ऑन कर लीजिए और बताइए कोई समस्या किसी को आ रही है, बताओ, ऑडियो ऑन कर लीजिए, अपनी अपनी समस्याएं बताइए जो समस्या हो।